नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के व्लॉग में। और हम आए हैं अभी पैसिफिक मॉल टैगोर गार्डन में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिवाली एकदम अप्रोचिंग है आने वाली कुछ ही दिनों में, तो हम सब आए हैं शॉपिंग करने के लिए दिवाली के लिए। और खास एक बात यह है कि मम्मी भी मेरे साथ आई है। मेरे साथ नहीं, हमारे साथ। यस, मम्मी को शॉपिंग करना पसंद नहीं होता, लेकिन हम पकड़ के लाए मम्मी को, मम्मी आज आपके लिए हम साड़ी खरीदेंगे, अच्छा अच्छा कपड़े खरीदेंगे, अच्छा अच्छा। साड़ी का नाम सुनते जल्दी से आ गए। हाँ तो चलिए। हाँ, और एक और स्पेशल चीज़ आपको अंदर चल के दिखाते हैं, तो बस व्लॉग में बने रहिए। और अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले। और चलते हैं अंदर, आइए मेरे साथ। तो हम लोग आ चुके हैं मॉल के अंदर। और तुम बताओ भाई, तुम फिट नहीं बैठ रहे हो फ्रेम में। हेलो इंस्टाग्राम, हाय मैथिली, नमस्ते। तो हम लोग मॉल के अंदर आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें, ऑब्वियसली कि इधर पैसिफिक मॉल बहुत बड़ा है, तो इधर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो स्पेशल चीज़ जो आज हम कवर करने आए हैं वो क्या है? नहीं, पुष्पक विमान। मैंने पहली बार मॉल में कुछ इतना अच्छा सेटअप देखा है, आप सभी को दिखाना चाहूंगी। तो चलिए मेरे साथ। तू नहीं दिख रहा है, थोड़ा झुक जा भाई, तू थोड़ा एंगल ऐसे कर ले। नहीं हो रहा, मेरा हाथ भी छोटा है। तो हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं अभी पुष्पक विमान। इसके बारे में ऋषभ बताएगा क्या क्या जानते हो, रात में पढ़ के आया है ये पूरा। दीदी का हाइट छोटा है, झुक के चलना पड़ रहा है। सही है, ये कैमरा पकड़ना बहुत वो हो रहा है मेरे लिए। तो यहाँ पे हम सब एक एक करके अपना फोटो खिंचवा रहे हैं, बल्कि हम नहीं, सब लोग आगे खिंचवा रहे हैं, क्योंकि साल में एक ही बार मौका मिलेगा ये सेटअप को देखने का। तो आप लोग भी आके देखिए, फोटोज़ खिंचवाइए, पोस्ट करिए और शॉपिंग भी करिए। तो यहाँ पे बैरिकेडिंग है, लेकिन अंकल ने हमारे लिए बैरिकेडिंग खुलवा दिया और हमें अंदर ऐसे पास से दिखा रहे कि कितना सुंदर बनाया है ये। वाह, और ये हम लोग दोपहर में देखे थे, तब भी अच्छा था, लेकिन अभी शाम के समय ये थोड़ा मतलब और सुंदर लग रहा है। हाँ, तो आइए पास से मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की कुछ कुछ चीज़ें, क्या क्या अच्छे से हो रहे हैं। यहाँ आ पाए और इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें देख पाए। तो मिलिए संदीप सर से, ये है संदीप गुप्ता जी। और इसके बाद आप मिलिए अंशुमन सर से, ये है यहाँ के मार्केटिंग हेड। थैंक यू सो मच हमें ये बताने के लिए कि इतना सुंदर यहाँ पे हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और बस एक्सपीरियंस करिए कि क्या वाइब्रेशन है यहाँ। तो आपका क्या प्लान है हनी? अरे कैमरे के पीछे से। तो जैसे कि दिवाली आने वाला है, तो मैं, सनी अपना अपना शॉपिंग करेंगे, और उसके साथ साथ मेन जो शॉपिंग होगा वो पापा मम्मी का होगा। पापा के लिए कुर्ता धोती सब खरीदेंगे और मम्मी के लिए साड़ी सब खरीदेंगे। अभी हम आपको सारे एंगल से व्यू दिखाएंगे, ये है फर्स्ट फ्लोर से व्यू। दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं तो मोहन लाल एंड सन्स तो मस्त है, क्योंकि यहाँ पे हनी, सनी और पापा तीनों के लिए कुर्ते खरीदेंगे। चले
अब हम लोग देखेंगे शेरवानी वाले सेक्शन। यार मेरे को ना यहाँ पे पगड़ी पहनने का मन कर रहा है। जब रेडी होंगे तो फिर ग्रूम को देंगे प्रॉपर। इनकी इसकी शादी में ये ऐसे ही कपड़े पहनाऊंगे। अंकल बोल रहे हैं ग्रूम के लिए टाइम है अभी। ग्रूम बन जाएंगे हमारे। अरे राइट ढूंढने की देर है। क्या क्या बातें हो रही है। इसीलिए बोल रहे हैं अभी शेरवानी वगैरह से हटो थोड़ा तो। तेरे तुझको भी चाहिएगा कुछ? नहीं। तो ये पुष्पक विमान का बहुत सुंदर सा सेटअप आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा, लेकिन तभी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के बोलने पे विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण किया था और इसको कुबेर को दिया था। तो रावण ने क्या किया, युद्ध लड़के कुबेर से वो पुष्पक विमान को छीन लिया था। और जब भगवान राम की लड़ाई हुई रावण के साथ, तो रावण के मरने के बाद भगवान अपने पूरे परिवार सहित लंका से अयोध्या इसी पुष्पक विमान में बैठ के आए थे। तब इसी नहीं पुष्पक विमान में बैठ के आए थे उस समय। तो ये पुष्पक विमान राम जी ने रावण को परास्त कर दिया, तब फिर ये जो वाहन था वो राम जी लेके आ गए। और इसकी विशेषताओं में क्या ही बताऊँ, उस समय पे मन की गति चलता था कि जो बैठेगा मंत्र पढ़ेगा और जो स्पीड सोचेगा जो जगह सोचेगा ये अपने आप ले जाएगा। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यही है वो पुष्पक विमान, क्योंकि ये इतना सुंदर इतना रियलिस्टिक है। जो जो लोग दिल्ली में हैं, आप सभी लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि यहाँ आए और ये चीज़ एक्सपीरियंस करें, आपको सही में बहुत अच्छा लगेगा। शॉपिंग चले हम मेरे फेवरेट स्टोर नायका में। लेट्स गो। मेरा मेकअप का सामान खरीदना है। पता नहीं लड़कियों सब का क्या होता है, नायका में शॉपिंग करते हैं। ठीक है, नायका में मेरा एक अपने लिप बाम भी नहीं मिला मेरे लिए। तो लिपस्टिक और पता नहीं नेल पॉलिश अलग अलग वैरायटी का, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चों के खेलने का सामान। हाँ, यानी कि सनी का फेवरेट सामान। अरे वाह, अरे वाह। हम लोग अभी जा रहे हैं स्कूबीज में और स्पेशली सनी के लिए जा रहे हैं। हाँ। नमस्ते। मैं थोड़ा सा अब बड़ा हो चुका हूँ, मेरे लिए क्या मिलेगा। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बैग्स हैं। कहाँ अभी कोरोना में कौन स्कूल जा रहे हैं। इट्स अ न्यू कलेक्शन। एंड डायरी। तेरे को बहुत लिखना पड़ेगा पापा, तेरे को बहुत टास्क नहीं। स्कूल बैग ले लेते हैं, चलो स्कूल जाने का मन भी कर रहा है थोड़ा सा।
पापा खेलने लगे। आपको सारे सामान बहुत अच्छे लगे, बहुत क्यूट क्यूट सामान है। तो फॉलो कर रहे हैं फेसबुक में आप तो बहुत बहुत अच्छा गला आपको, एक दो तीन तीनों आप लोग फेमस हो, फेसबुक में आप लोग को फॉलो कर रहा हूँ मैं। डैनियल विलिंगटन। अब चलते थोड़ी घड़ी की खरीदारी करने के लिए। सनी के पास नहीं घड़ी, पापा के भी पास नहीं है, मम्मी के भी पास। Diwali special offer going on for Diwali, like if you buy any two articles you'll get 15% discount and on single watch you'll get 10% discount. ye acha bhi lag raha hai bahut zyada, isko bas thoda sa wo ye papa ne to apna le liya, mere liye bhi le liya, sunny ke liye bhi le liya। सनी अनी आपस में मिल बांट के पहन लेना, बहुत बढ़िया है ये मिल बांट वाला है। हाँ। आप दोनों को थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो काफ़ी शॉपिंग हो गई, अभी और भी करना बाकी है। तो थोड़ा सा भूख लग गया था तो हम आ गए हैं, भैया ने सब अरेंज करवा दिया हमारा खाने का, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और भैया भी हमारे सारे ब्लॉग्स देखते हैं, जिस टाइम पे हमारा घर बन रहा था ना तो इन्होंने बताया कि इनका भी घर बन रहा था, और ये हमारे ब्लॉग्स देख के ऐसा रेस लगा देते कि पहले इनका टाइम कंप्लीट होता है कि पहले हमारा टाइम कंप्लीट होता है। आप ही हमारे साथ रेस रेस नहीं, रेस नहीं, मतलब ये था कि पहले की जैसे आपके यहाँ फ्लोरिंग हो रही तो हमारे यहाँ भी फ्लोरिंग हो रही है, आपके यहाँ पेंट हो रहा है तो हमारे यहाँ भी पेंट हो रहा है, वो सारी चीजें एक साथ चल रही थी, वो कोइंसिडेंस था बट बहुत अच्छा, उस टाइम बड़ा मजा आ रहा था वो सारी चीजें। क्या बात है, इधर जितने भी आंटी लोग मिल रहे थे ना सब यही बोलते बेटा हम लोग तुमको रोज व्लॉग्स में देखते हैं, ऋषभ के व्लॉग में देखते हैं, बड़ा मजा आता है। क्या बात है, तो ये वाला व्लॉग बड़ा स्पेशल, मतलब अभी जैसे हम लोग इतने एक्साइटमेंट के साथ शूट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बड़ा मजा आने वाला है। फिलहाल मैं भी कुछ बोलूंगी नहीं, सीधे खाना खाऊंगी अभी। वाह क्या बात है, कचरी पकौड़ी सब है, कचरी पकौड़ी सब है इसमें, वाह 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 वाह, बबरे बबरे, नमकीन है, भेलपुरी बहुत टेस्टी है, मिल बांट के खाना भाई, बस मैं तो अपना भेलपुरी नहीं दूंगी। अब आ गया है हमारे लिए बेबी कॉर्न, खाना पीना हो गया है, चाय हमने पिया बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सॉरी स्वीट कॉर्न, बहुत सारे कॉर्न होते थे, मैं कॉर्न में कन्फ्यूज हो जाता हूँ, ये स्वीट कॉर्न आया है हमारे लिए, और ये चाय जो था बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब मेरे लेवल का नहीं था लेकिन मैं अलग लेवल बनाता हूँ। मैं अगर फ्रेंचाइज खोल दूँगा ना अपना अपने चाय वाले का तो सब पी आए, बताने की जरूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है यू लुक अमेजिंग, वो अलग बात है तो दिखने में कैसा भी लग रहा हूँ। ये तो उनसे पूछो जो जो कमेंट सेक्शन में स्पैम करती हैं, कट कर देना। तो हमारा खाना पीना हो गया, अब चलते हैं बाकी का शॉपिंग करने के लिए, लेट्स गो। आज जो हम आए हैं ये ब्लॉग दो पार्ट में जाएगा, जो हमारे लिए शॉपिंग होगी वो मैं अपने पे डालूंगा, और जो दीदी अपने लिए शॉपिंग करेगी अपने मम्मी के लिए वो अपने चैनल पे डालेगी। क्या मतलब मेरे चैनल पे कुछ नहीं जाएगा? हेलो मेरे को छोटा सा यहाँ पे मॉल से कुत्ता खरीद दो, चलो ना। आप लोग नोटिस करें पुष्प विमान में ऊपर हनुमान जी उड़ रहे हैं,
और कमल जो ऊपर लगा है वो भी घूम रहा है, और यहाँ पे देखिए पंख भी, इसको क्या बोलते हैं, सन्नी का यार। अभी मम्मी बहुत एक्टिव हो रही है क्योंकि अभी मम्मी की साड़ी के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम मीना बाजार जाएंगे, आप वहाँ से शॉपिंग करिए, बना तो बेस्ट ब्रांड फॉर एथनिक वेयर, चलते हैं मीना बाजार पे। तो अभी शॉपिंग होगा दीदी के लिए, तो ये पार्ट आप दीदी के ब्लॉग में जाके देखिएगा। ओके चलिए दीदी, अपना ब्लॉग बनाइए, काटिए इसको। आपको आ जाएगा, इतना इतना शर्मिंदा महसूस हो रहा है मुझे। तो यहाँ से भी खरीदारी हो चुकी है और बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ से शॉपिंग हो गई दीदी की, अब जा रहे हैं हम मीना बाजार में, वो भी दीदी के चैनल में देखिएगा क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। क्योंकि भाई लड़कियों को एक चॉइस क्यों नहीं होता है, अभी तक मैं होता ना, अरे ये दीजिए ठीक है पैक कर लीजिए, बाप रे ये तो चूस करने लग जाते हैं। दीदी का शॉपिंग सब हो चुका है, अब चलते हैं और कहीं और कुछ खरीदने के लिए, आज भर भर के शॉपिंग करेंगे एकदम। तो अभी हम हैं पैसिफिक मॉल के सबसे टॉप फ्लोर पे, और मेरे को अभी भी याद है दीदी के बर्थडे पे हम आए थे इसी मॉल में, और यही टाइम जोन में हम खेलने भी गए थे अंदर, और भी खाना पीना अच्छे से खाया था, वो सब टाइम रिवाइव हो रहा है। और अभी चलते हैं हम, देखते हैं कि आगे क्या क्या होगा, लेट्स गो। तो हमारी शॉपिंग हो गई है और आप देख सकते हैं इतनी सारी शॉपिंग की हमने, और पैसिफिक मॉल में एक इवेंट चल रहा है कि आप जितने का भी शॉपिंग करो उसके बाद एक गेम होता है रोलेट करके, आप उस पर खेलो और जो भी नंबर आएगा उस नंबर से जो भी सामान होगा वो हमें फ्री में मिलेगा। तो चलते हैं और ये गेम खेलते हैं, कुछ अच्छा सामान आ जाए, मज़ा आ जाएगा। चलो गेम खेलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या बातें, हम लोग को ये मिला है पैसिफिक मॉल में, ब्लू स्टोन की तरफ से हमें ये पेंडेंट मिला है, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। लोग हम लोग साथ में फोटोज भी खींच रहे हैं, और मतलब बड़ा हैपनिंग डे आज, बड़ा मजा आ रहा है, इतने सारे लोगों से मिलना जुलना हो पाया, जो मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं इतने ज्यादा लोगों से मिलूंगी, जैसे कोरोना वगैरह ये सब इतना कुछ हुआ इस बीच में। तो सारा सामान हमने खरीद लिया है, अब चलते हैं खाना खाने के लिए, बहुत ही भूख लग गई है। तो टॉप फ्लोर पे एक पंजाब ग्रिल करके है,
तो वहाँ पर चल के भोजन करते हैं। और हमारे साथ लगातार अंशुमन सर और संदीप सर भी हैं, तो इतना हमारे साथ परेशान हुए हैं सुबह से हमारे साथ। सब प्लेजर है, उन्होंने मुझे बोला है जब मैं आपके घर में आऊँगा आप मेरा सेवा करना, मैं अभी आपका सेवा कर रहा हूँ। और इन्होंने हमें याद दिलाए कि अभी खाना खाने का समय हो गया है, हमें खाना खाना चाहिए, तब हमें याद आया कि हाँ अभी खाना खाना चाहिए। हेलो, आई सॉ योर पोस्ट टुडे सो आई केम हियर टू मीट यू। ओ वो रहा पंजाबी ग्रिल, ये रहे हमारे हनुमान जी। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं खाना खाने के लिए। बिल्कुल, और यहाँ पे दिखाते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सही कैसे है? दिखा सकते हैं वीडियो में, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सूंघने की कोशिश करिए, आ जाएगा। सिनेमा हॉल बगल में ही है ना, पॉपकॉर्न का खुशबू आ रहा है। नमस्ते मैम, वेलकम टू पंजाब ग्रिल। थैंक यू। ये मुझे कान में आके बोल रहे थे, ठीक है, कि आज हम बहुत परेशान हो गए। मैंने उनको पूछा कि आज आप ना हमारे साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे, तो उन्हें धीरे से बोला हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप मेरी सेवा करिए, ठीक है, सेवटी से मज़ा आ जाएगा। टिट फॉर टैट है। नहीं नहीं, जब मैं अब आपके घर आऊँगा कभी तो बिल्कुल, आप जैसा आपने पहले मैं आया था आपके घर तो आपने चाय पिलाई सब कुछ, तो मेरा फर्ज बनता है कि अब मैं आपकी सेवा। चाय हमने खुद बनाया था, ये दूध निकाल के लाया था। अच्छा, तू चाय बनाई थी? नहीं नहीं, पहली बार, फर्स्ट टाइम जो मैं आया था जब मैथिली चाय बनाई थी। पालक का चाट, पालक पत्ता चाट, पालक पत्ता चाट, त्रिकोण पत्ता का फील आएगा तुमको। खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है। तो हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी हम घर के लिए निकलेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टॉप फ्लोर से कैसा व्यू है पुष्पक विमान का। भाई मैंने दो बार चर्चा कर दी क्रिस्पी कॉर्न हमारे बिहार में बहुत अच्छा मिलता है, ये बोले अरे यहाँ पे मिलता है, वो बोले मैंने यहाँ कभी खाए नहीं दिल्ली में, इन्होंने मंगवा भी दिया हमारे। इन्होंने बातें को सीरियस ले ली। हाँ, मेरी बात को नहीं, मैं सारी बातों को सीरियस ले रहा हूँ। तो हम निकल चुके हैं और हमारा जो सामान सब है ट्रॉली में रखा हुआ है, हो सकता है कितनी सारी शॉपिंग की आज। और गाड़ी भी बस आने वाली 2 मिनट में, घर चलते हैं। और दीदी का लाइव का समय हो गया, अभी 10 बज गए, तो वो लाइव भी जा रही है अपने फेसबुक पेज पे। ऐसे ही चलते चलते गाड़ी में बैठते हैं फिर घर चलते हैं। हनी कुछ बोलोगे? आओ ना। मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, हम लोग घर पहुँच चुके हैं जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और कल व्लॉग नहीं आ पाया इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आज का हम पूरा दिन स्पेशल व्लॉग बनाने में बिजी थे। तो यस माय चाइल्ड, अब बोल सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, गुड नाइट, बाय बाय। नहीं, कपड़े चेंज करने। अरे मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। नहीं ना बेटा, गंदा कपड़ा चेंज करूँगा फिर गेम खेलने के लिए बैठूंगा, देख लो। बदतमीजी है भाई। सिंपल मैंने बोला है, कपड़ा चेंज करो तो गेम खेलो और हैंड वॉश कर लो फिर। मेरा क्या दिक्कत है? अगर मेरे को नींद आ गई, मैं लेट गया तो मैं फिर सो जाऊंगा। अगर भाई जैसे मम्मी ने मेरे को हाथ पांव धुलवाया और मैं एक बार पानी डाला मुंह पे, उसके बाद तो भाई सूंघा ही नहीं मैं कभी। ऐसा है जो फिर हम 1-2 घंटे में दूध गर्म करके दे देंगे, पी लेना, एडिटिंग भी हो जाएगी। तेरे को छीटने के लिए नहीं रही है।